अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अलीम फ्रॉम स्किल्स एकेडमी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कीवर्ड टाइप्स के बारे में। तो आपने शायद मेरी एक ऑलरेडी वीडियो भी देखी होगी कीवर्ड टाइप्स के ऊपर, लेकिन वो इन टर्म्स ऑफ इंटेंट थी और ये इन टर्म्स ऑफ यूज़ है। तो इन टर्म ऑफ यूज़ का मतलब ये वो कीवर्ड्स हैं जो कंटेंट के अंदर यूज़ किए जाते हैं। तो ये बेसिकली फोर टाइप्स होती हैं: प्राइमरी कीवर्ड्स, सेकेंडरी कीवर्ड्स, सपोर्टिंग कीवर्ड्स एंड वेरिएशंस। तो चलें शुरू करते हैं और सबको वन बाय वन डिस्कस करेंगे और उसे प्रैक्टिकली समझेंगे। सबसे पहले प्राइमरी कीवर्ड्स, ये कीवर्ड वो होते हैं जिन पे यूज़र जो है रैंक करना चाहता है, मतलब जो मेन कीवर्ड होता है। प्राइमरी कीवर्ड की सबसे ज़्यादा सर्चिज होती हैं और प्राइमरी कीवर्ड्स फाइंड करने का एक प्रोसेस है जिसके दो पार्ट्स हैं: रिसर्च एंड फिल्टरिंग। पहले हम रिसर्च करते हैं और फिर उसे फिल्टर करते हैं। उसके बाद रिसर्चिंग का जो प्रोसेस है उसमें एक स्प्रेडशीट क्रिएट की जाती है और ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाती है, और आपके जो कंप्यूटर्स हैं उनके टाइटल टैग्स में से आइडिया लिया जाता है, या आपके कंप्यूटर का आर्टिकल का लिंक कॉपी करके हम गूगल कीवर्ड प्लानर के अंदर एंटर करते हैं तो वो हमें आइडियाज देता है। उसके अलावा सर्च कंसोल कीवर्ड डाटा, जो आपका कोई कीवर्ड सर्च इंजन के ऊपर रैंक कर रहा हो तो वो जो उसका डाटा शो होता है गूगल सर्च कंसोल में वो, और सजेशन इन योर फेवरेट कीवर्ड रिसर्च टूल जैसे कि एचरेफ्स, मोज वगैरह। तो फिल्टर बाद में इन्हें किया जाता है, मतलब जो उसमें से जो पोटेंशियल कीवर्ड्स हो सकते हैं उन्हें एक साइड पर रखते हैं, फिर उनका कंपटीशन चेक करते हैं, उनकी मोस्ट डिफिकल्टी, उनकी कमर्शियल इंटेंट, और उसके लिए एक टेम्पलेट भी क्रिएट की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ये कार्लरूफ की टेम्पलेट है, इसमें देख सकते हैं सबसे पहले कीवर्ड्स होते हैं, फिर उनका स्कोर डिटरमिन किया जाता है। स्कोर डिटरमिन करने के लिए आपको टूल यूज़ करना पड़ता है कीवर्ड फाइंडर, और उसके बाद सर्चिज, उनकी मंथली सर्चिज और रियल कॉम्पिटिशन। यहाँ पे आप एचरेफ्स का कंपटीशन लिख सकते हैं, उसके बाद गूगल में अगर आपका आर्टिकल ऑलरेडी पोस्टेड हो तो वो कहाँ पे रैंक कर रहा है, और बिंग का रैंक, फिर उसकी मोस्ट डिफिकल्टी, फिर उसका एस्टिमेटेड टाइम, मतलब कितने देर बाद आप रैंक कर पाएंगे, और ऑर्गेनिक सर्च और एस्टिमेटेड सीपीसी। तो चलें शुरू करते हैं। हमारा जो कीवर्ड होगा वो होगा फ्री स्टीम कीज। तो हम इस पहले यूआरएल को कॉपी करेंगे और गूगल कीवर्ड प्लानर ओपन करेंगे। गो टू कीवर्ड प्लानर। यहाँ से डिस्कवर, स्टार्ट विद अ वेबसाइट, यूज ओनली दिस पेज, और वेबसाइट का या आर्टिकल का यूआरएल सेव, गेट रिजल्ट्स। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा टू वर्ड्स के भी शो हो रहे हैं, तो उसका तरीका यह है कि हम जो अपना मेन कीवर्ड है वो इसके अंदर एंटर कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड शो हो रहे हैं। अब जो सबसे ज़्यादा सर्चेस वाले हैं वो हम गूगल के ऊपर उनकी मैनुअल डिफ़िकल्टी चेक करेंगे। तो ये कीवर्ड है और आप देख सकते हैं कि इसमें रिसेंटली क्रिएटेड वेबसाइट्स जो हैं वो भी रैंक कर रही हैं, मतलब इसे कम्पीट किया जा सकता है। लेकिन ये वो वाला कीवर्ड है जिसपे वर्ड्स तो नहीं बल्कि आपको बैकलिंक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो पहले 10 रिजल्ट्स होते हैं हम उन्हें एनालाइज करके भी आइडिया लगा सकते हैं, मतलब यहाँ पे कोई भी आर्टिकल वगैरह नहीं रैंक कर रहा, सिर्फ वो वेबसाइट रैंक कर रही है जो जिन पे गेम्स की लिस्टिंग है।
तो आपकी वेबसाइट भी इस तरह की होनी चाहिए अगर आप इस कीवर्ड पे रैंक करना चाहते हैं तो। तो अगर आप ऑप्टिमाइज करें तो आप 8th पोजीशन तक आराम से थोड़े से बैकलिंक्स के साथ रैंक कर सकते हैं। उसके बाद इस कीवर्ड को चेक करेंगे। तो अगर इसमें देखा जाए तो इसमें काफ़ी मुश्किल है आप 10th नंबर तक रैंक कर पाएंगे। इन फेसबुक पेजेस को भी आप हो सकता है कम्पीट कर पाएँ, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि इनके फॉलोअर्स काफ़ी ज़्यादा हैं और जो काफ़ी बड़े पेजेस होते हैं उनको आउट रैंक करना काफ़ी मुश्किल होता है। उसके बाद सेकेंडरी कीवर्ड्स, इन्हें क्लस्टर कीवर्ड्स भी कहा जाता है। सेकेंडरी कीवर्ड्स प्राइमरी कीवर्ड को फॉलो करते हैं और यू कैन रैंक ऑन दीज कीवर्ड्स बाय ऑप्टिमाइजिंग योर कंटेंट। तीन जगह से आप देख सकते हैं, रिलेटेड सर्चेस, गूगल ट्रेंड्स, ऑटो सजेशन ड्रॉप डाउन। तो सबसे पहले रिलेटेड सर्चेस, तो ये कीवर्ड हैं, इन्हें आप अपने आर्टिकल में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ऑटो सजेस्ट ड्रॉप डाउन, ये कीवर्ड। उसके बाद गूगल ट्रेंड, यहाँ पे आप अपने कीवर्ड को लिखेंगे और एंड के ऊपर यहाँ पे रिलेटिव सर्चेस शो होती हैं। उसके बाद इन्हें फिल्टर किया जाता है। फिल्टर करने के लिए आप इस तरह की टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका सबसे पहले प्राइमरी कीवर्ड आएगा, उसका सर्च वॉल्यूम, फिर डिफिकल्टी आप चेक कर सकते हैं मोज के ज़रिए या एचरेफ्स के ज़रिए, और CTR वगैरह ये आप देख सकते हैं एचरेफ्स से, एस्टिमेटेड क्लिक्स। और ये टोटल नंबर ऑफ रिलेटिव सर्चेज, उनको कंबाइन किया जाए तो उनका सर्च वॉल्यूम कितना है, एवरेज डिफिकल्टी, CTR, क्लिक्स, और उसके बाद ये सर्चेज और उनका सर्च वॉल्यूम और डिफिकल्टी। उसके बाद जो थर्ड वन है वो स्पोर्टिंग कीवर्ड्स। तो स्पोर्टिंग कीवर्ड्स में आ जाते हैं कीवर्ड्स जो फोरम उस पे आपको मिल जाएंगे, पीपल आल्सो आस्क, आंसर द पब्लिक, विकिपीडिया, टेबल ऑफ कंटेंट। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ये कीवर्ड आ सकते हैं। उसके अलावा ये जो नीचे कीवर्ड्स हैं, रेलिवेंट कीवर्ड्स, इन्हें भी सपोर्टिंग कीवर्ड्स कहा जा सकता है। और बाद में इन्हें फिल्टर किया जाता है। फिल्टर करते वक्त हमने ये देखना होता है कि क्या ये जो यूज़र है उसकी क्वेरी का आंसर दे रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप ही उसी चीज़ की रिसर्च कर रहे हैं और क्या आपको फ़ायदा होगा अपने ही आर्टिकल पढ़ के, और इनका सर्च वॉल्यूम काफ़ी कम होता है प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड के मुकाबले में, और इनकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी एचरेफ्स में देखें तो काफ़ी ज़्यादा लो होती है। कमर्शियल इंटेंट मतलब ये जो इंटेंट होती है कंपटीशन की, ये भी कम होती है और इजियर टू रैंक होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये इनकी भी काफ़ी हद तक कम है, इजियर टू रैंक। उसके बाद जो फोर्थ है वो है वेरिएशंस। वेरिएशंस वो होती हैं जब आप किसी कीवर्ड को गूगल के ऊपर सर्च करते हैं तो ये जो हाईलाइट हो जाते हैं कीवर्ड्स बोल्ड में, ये देखें, ये सारी वेरिएशंस हैं। ये वो कीवर्ड्स होते हैं जिनको आप अपने आर्टिकल में यूज़ करके उसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, और इसके लिए ये एक एक्सटेंशन है टेक्स्ट ऑप्टिमाइज़र, ये आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा एंड टॉपिक, कोरा, पेज ऑप्टिमाइज़र और टेक्स्ट ऑप्टिमाइज़र, कॉग्निटिव SEO, ये टूल्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। मिसाल के तौर पे एक आर्टिकल को ओपन करते हैं और ये एक्सटेंशन है टेक्स्ट ऑप्टिमाइज़र, इसे ओपन करेंगे। तो ये कीवर्ड बता रहा है ये वेरिएशन है जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं अपने आर्टिकल को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। उसके अलावा
ये कोग्निटिव SEO। यहाँ पे आप अपने कीवर्ड की सर्च करेंगे, एनालाइज। और कंटेंट असिस्टेंट, स्टार्ट ऑप्टिमाइजिंग योर कंटेंट। यहाँ पे टाइटल एंटर करेंगे, उसके बाद अपने सारे आर्टिकल को कॉपी करें। यहाँ पे एंटर करके और चेक्स को, तो ये आपको सजेशन देगा वेरिएशन, मतलब जिन्हें आप आर्टिकल में यूज़ करें तो आप अपने आर्टिकल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज का ट्यूटोरियल आपको काफ़ी हद तक पसंद आया होगा और आपने न्यू चीज़ें भी सीखी होंगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।